हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, मतलब कि क्या बोलूँ, आगे देखिएगा आपकी मैं क्या बना रही हूँ। और यहाँ तो फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू और चना का सब्जी। और चना मेरा काला काला दिखाई दे रहा है ना, ऐसा हुआ क्या ना कि रात में मैं चना फुलाना ही भूल गई, और जब मैं सुबह में खाना बनाने के लिए किचन में आई तो मेरे दिमाग में आया, ओ मैं तो चना फुलाना भूल ही गई। पर कोई नहीं, मैं अपना तिगड़मबाजी वाला दिमाग लगाई, थोड़ा सा मैं चना को थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पानी करना पड़ा, क्योंकि सुबह में टाइम बहुत कम होता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर ली पानी को। उसके बाद उसमें मैं चना डाल करके 1-1.5 घंटा के लिए मैं छोड़ दी, तो वो चना फूल गया अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं अभी सब्जी बना रही हूँ, इसीलिए चना काला दिख रहा है। वैसे ये काला ही चना है, छोटा वाला जो काला ही रहता है हमेशा। और आज मैं बना रही हूँ, मेरा स्पेशल डिश ये है धुसका, जो कि झारखंड का फेमस डिश माना जाता है ना, धुसका और आलू और चना का सब्जी झारखंड का फेमस डिश है। तो बस मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि मुस्कान 3-4 दिन से काफ़ी परेशान कर रही थी धुसका खाने के लिए, और शाम शाम को मन्नू को बोलती थी कि भैया धुसका लेके आना, धुसका लेके आना। तो शाम में तो मिलता नहीं है कहीं भी, सुबह सुबह मार्केट में भी सुबह सुबह नाश्ता के लिए ही मिलता है। तो हम बोले कि बाज़ार का किस लिए खाना, जब हम घर में बना ही देंगे बोल रहे हैं, तो नहीं, हमको अभी चाहिए अभी चाहिए। बस किसी तरह उसको बहला के रखे हुए थे कि हम बना देंगे बना देंगे। तो वही मैं रात में सारा कुछ मैं चावल दाल वगैरह फुला करके मैं रख दी थी, बस चना ही फुलाना भूल गई। बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। वो और मुस्कान खाना नाश्ता वास्ता करके वो स्कूल चली गई है, उसके लिए मैं सुबह में ही बना दी थी। और ये नाश्ता मैं निकाल रही हूँ मन्नू के लिए, क्योंकि मन्नू भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया है। कहा एक दो खाएगा, टाइम हो गया तो बैठ के खाओ। मेरा मुंह देख के कैसा लग रहा है, लग रहा है कि हम मुंह धो के आए हैं पसीना से, इतना गर्मी लग रहा है। अब थोड़ा फैन के पास बैठा जाए, मतलब कि देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हाँ पसीना निकले, इतना ज्यादा पसीना, इतना गर्मी, पूरा पसीना से नहा गए हैं नाश्ता बनाते बनाते। हाँ थोड़ा बैठा जाए फैन के पास, मम्मू को बहुत लेट हो रहा है, मम्मू का चल रहा है एग्जाम, बस इसी हड़बड़ी में है कि टाइम से पहुंच जाए। कॉलेज चला गया है और मेरा काम फिर से स्टार्ट हो गया है। एक बार सुबह में किचन का नाश्ता वगैरह का काम हो जाता है, उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं सब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मेरा फिर क्लीनिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी नाश्ता कर ली हूँ, क्योंकि काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और इतना टाइम नहीं होता है कि फिर उसके बाद नाश्ता करें, क्योंकि फिर तुरंत ही मुस्कान को लाने का टाइम हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है, एकदम भागो भागो वाला हो जाता है, तो इसीलिए मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और टाइम से नाश्ता कर लेना भी अच्छा है, वरना फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है ना। और अगर खास कि ऐसा होता कि जैसे आप लोग वीडियो में देख लेते हैं कि 1-2 मिनट में काम हो गया, खास रियल लाइफ में भी ऐसा होता है 1-2 मिनट में सारा घर का काम हो जाता। तो मैं यहाँ मोटर चलाई थी तो मैं पानी भी भर ली हूँ, और अब मैं इधर झाड़ू करने के लिए पहुँच गई हूँ। झाड़ू करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब जितना काम आपका किचन में लग जाता है उतना घर का क्लीनिंग करने में भी टाइम लग जाता है। एक एक रूम में सारा चीज़ जो बिखेरा हुआ रहता है सुबह का हड़बड़ी में, मुस्कान का वही रूम का वही हाल रहता है, मन्नू के रूम का भी वही हाल रहता है। तो सारा कुछ समेटते समेटते झाड़ते कोना कोना में झाड़ू लगाते लगाते इतना टाइम हो जाता है ना, मतलब कि कभी कभी तो मन उब जाता है कि बाप रे रोज़, मतलब कि एक बार समेटते हैं इतना टाइम लगता है सारा चीज़ समेटते और सारा चीज़ सही जगह पे रखते हुए, फिर से नेक्स्ट डे वही हाल हो जाता है। मतलब कि क्या बोले, काश कि ऐसा होता कि जैसे रख देते वैसे ही रह जाता। तो यहाँ मैं नहा करके भी आ गई हूँ,
और बाल मेरा बहुत ही गीला है, पूरा पानी निकल रहा था, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बाल सुखाऊं, तो बस मैं इसी तरह से समेट करके और मैं फटाफट से निकल गई लाने के लिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ मुस्कान को लेके आने के बाद। मुस्कान को लेकर के आ गए हैं और बाहर इतना ज्यादा धूप है, इतना धूप है ना, हालत खराब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अपन में घुसे हुए हैं और हम लोग तंदूर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी। मुस्कान मेरा क्लचर देना ना, बाल पूरा गीला था, ऐसे ही बांध करके चले गए थे। बाल खोल देते हैं, थोड़ा सूखेगा, गीला बाल रहता है ना तो और ज्यादा गर्मी लगता है, खुला बाल में तो ज्यादा ही। रुक जाओ, छोटा वाला क्लचर दे रही है, बड़ा वाला कोई से बड़ा वाला नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है इसको। माय गॉड, पसीना से भी भीग गया पूरा। थोड़ा सा बैठते हैं कूलर के पास यहाँ पे, उसके बाद फिर खाना उना, अभी दोपहर का खाना खाना खाएगी, अभी थोड़ी देर में खाएगी, हाँ देर में खाएगी। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं भी ठंडा हो जाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा धूप, हालत खराब हो गया। आज निकली भी है बहुत लेट से क्लास से, सबसे लास्ट में मुस्कान निकल के आई आज। और मेरा नहीं कर रहा था, हम पूछे कि क्यों इतना लेट से आई, तो बोल रही है कि आज हम घर जाने का मन नहीं कर रहा है। पूरा दिन धूप लगने के बाद अभी अब बादल बादल सकिया हुआ लग रहा है कि बारिश होगा। और ये फूल, ये वाला फूल दिख रहा है, घंटी की तरह लटकता है नीचे, बहुत सुंदर लगता है, अड़हुल का फूल है वो भी। और इधर गिलोय का लत्तर इतना ज्यादा हो गया है, हाँ ये रहा इसका लत्तर, बाउंड्री के उधर भी लटक गया है। मन्नू को बोलना है कि वो थोड़ा इधर कर दे, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं है। इधर काफी अच्छा हो गया है गिलोय, और यहाँ पे एक पपीता निकल गया है, अपने आप ही निकल गया है ये। और इधर मैं बहुत डरते डरते हुए आती हूँ क्योंकि कल ही मनु इधर सांप देखा है, बहुत मोटा सा, बोल रहा था बहुत मोटा सा सांप था। पर अपना घर है, आंगन है, तो एक बार तो मैं देखूंगी ही ना, तो मैं बस यही गिलोय का ही मैं सोच रही हूँ कि कैसे उसको लत्तर जो उधर नीचे की तरफ बाउंड्री के उस साइड में पार हो गया, तो वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे उसको मैं पार करूँ। मनु का तबीयत ठीक होता तो उसको मैं बोलती कि बाउंड्री में चढ़ करके और इधर कर देता, लेकिन मनु आ करके और अपने रूम में पता नहीं शायद सो रहा है, और पता नहीं कब बारिश हो जाएगा, ऐसे मौसम किया है बिल्कुल। अब मुझे जाना भी है मार्केट, कल भी जाएंगे जाएंगे सोचते रह गए, गए नहीं, पता नहीं आज भी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे सारा गुड़हल का डाल मैं काट दी हूँ और यहीं पे रखी हूँ ताकि इसका पत्ता यहीं पे गिरे, यहीं पे सड़े, यहीं पे खाद बन जाए। पूरा मैं गुड़हल काट दी हूँ, ऊपर तक से मैं काट दी हूँ क्योंकि पूरा नीचे आ गया था बारिश की वजह से, एक बार तो काटे ही थे फिर से वापस नीचे आ गया था, तो फिर इस बार मैं पूरा ही कटिंग कर दी। ये देखिए ऊपर से खाली खाली सा लग रहा है ना। कान मुस्कान उठ के आ गई है, डांस कर रही है, मुस्कान अरे स्लिप कर रही थी ना, कहाँ गई, क्या करे, ऊन चाहिए, स्वेटर बुनेगी नहीं तो, अच्छा रुक जा देखते हैं। से परेशान करके रखी हुई है कि ऊन चाहिए ऊन चाहिए, तो ऊन रखा हुआ है बॉक्स में, और उसके लिए कार्डबोर्ड भी चाहिए, कार्डबोर्ड छोटा सा, तो कहाँ से कार्डबोर्ड लाएंगे, रहना पड़ा अभी ऊन निकालने के लिए हमको कितना परेशानी करना पड़ेगा, सारा सामान हटाना पड़ेगा, जरूरत नहीं होता है, काम नहीं होता है तो बॉक्स में डाला हुआ है, कितना ढूंढना पड़ेगा। तो मिल गया है ऊन का खजाना का पोटली, अभी मुस्कान को दे देते हैं, मुस्कान खुश खुश हो जाएगी। अरे भाई क्या कर रही है, पाउडर पाउडर क्यों उड़ा रही है तू, हाँ पाउडर लगा रही है, मजा आता है, चलो लो ऊन का पोटली, कौन सा ऊन चाहिए देख लो, हम सारा रख लेंगे। सारा क्या करेगी रख के, सारा क्या करेगी रख के, देखो क्या क्या बनाया, पहले हम बहुत कुछ बनाते थे, अधूरा ही है, खुल जाएगा देख लो पहले बहुत सारा चीज बनाते थे, खुल जाएगा मुस्कान, अधूरा है,
पता नहीं कभी पूरा होगा या नहीं होगा। जो खुल जाएगा ना तो उसको खोलो मत, ऐसे मत करो। देखो सबको ऐसे रखे थे, तुम तो जरूर सब खोल देगी, हमको पता है क्या कर रही है तुम। तुमको जो ऊन चाहिए वो बताओ ना, हम तुमको दे देते हैं, तुम ऐसे मत करो। वो वाला चाहिए, वो तो बहुत पतला है, ऐसे सभी पतला ही है। ये ऑरेंज वाला मोटा है, लेकिन रुक जाओ हम देखते हैं। हाँ ये वाला हो जाएगा तेरा, ऐसे बनाइएगा। लेकिन क्या करने के लिए चाहिए तुमको, क्या करेगी पता नहीं, क्या करेगी, कितना साल के बाद निकाले हैं। पहले बनाया करते थे, सबको ऐसे प्लास्टिक में बांध बांध करके रखे हैं, प्लास्टिक का कलर भी रखे रखे कैसे हो गया, ये वाला प्लास्टिक फट भी गया, कितना साल के बाद निकाले हैं। देखो मुस्कान एक और मोटा वाला मिल गया, अगर ये वाला चाहिए तो, ये वाला चाहिए, पतला ही वाला चाहिए था, ठीक है ठीक। पहले कुरुसिया का बहुत काम करते थे, कभी स्वेटर वेटर बुने नहीं है, लेकिन ये टोपी और मोजा, बच्चों का मोजा, बड़े लोगों का मोजा और स्कार्फ वगैरह बनाते थे। तो ये सब डिजाइन जब बनाते थे तो ये मैं सैंपल के लिए रख लेती थी, और फिर जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं बनाती थी। तो बहुत सारा तो मैं बना करके रखी हूँ, और बहुत सारा जब जो रह गया सो रह गया, तो वही ऊन है। और ये ऊन सब कम से कम भी तो कितना साल पुराना हो गया होगा। ये छोटा सा मोजा जो कि मैं सैंपल के लिए बना करके रखी थी, और फिर बाद में मैं बनाई भी थी, ये मोजा का ही है। तो काफ़ी कुछ मैं बनाती थी, अब मेरे पास ये डिजाइन वाला बुक भी था। पहले जब मन्नू छोटा था तो मैं काफ़ी कुछ बनाती थी, और इस तरह का पहले मिलता था ना, ये चटाई, इसको चटाई बोलते थे, और ये इस तरह से करके सोल वगैरह बनता था ना, टेबल क्लॉथ वगैरह, तो ये वाला था यूपिन से मैं काफ़ी बनाई थी। बनाया हुआ भी कहीं पे रखा हुआ है, इस पर नहीं है, मगर इस पर नहीं है। तो ये मेरा ऊन का खजाना जो काफ़ी साल पुराना है। मैं प्लास्टिक चेंज कर दे रही हूँ, ऊन भी रखे रखे कितना गंदा हो गया है, मैं प्लास्टिक चेंज कर देती हूँ, दूसरा प्लास्टिक में कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला फट गया है पूरा। और देखो हमको क्या चीज मिला, इसमें 50 पैसा मिला। देखो मेरा खजाना का पोटली में सच में खजाना है। 50 पैसा मिल गया, इसको भी इसी में डाल देते हैं। गरीब कितने साल, उनका कुछ साल के बाद यही पैसा बहुत ही हो जाएगा, इसको भी म्यूजियम में रखा जाएगा, अभी भी रखा जाता है ना सारा सबको, सबको इसमें रख देते हैं। तो पूरा खराब हो गया है, ये सब सैंपल बना के रखे थे, इसको दूसरा प्लास्टिक में कर देते हैं। ये तो हम बना चुके हैं, इसका बड़ा वाला बना करके रखा हुआ है मेरे पास, ये वाला नहीं बना पाए, ये वाला रह गया। अच्छा, ये सब बनाती क्यों? बस ऐसे ही पहले बनाते थे ना सब, पहले तो स्वेटर वगैरह जितना भी चीज था आदमी हाथ से बुन के बनाता था, तो उसमें क्रोशिया का बनाया करते थे, बहुत सारा चीज बनाते थे। और ये वाला भी बना के रखे हैं हम, ठीक है। ये भी थाली क्लोज बोलते थे, थाली में जैसे पूजा वाला थाली वगैरह में ना ढकते हैं ना, तो वही ढका जाता था इससे, मतलब इससे नहीं बड़ा बना के। तो ये डिजाइन का खाली सैंपल रखे थे हम। और ये वाला है, ये लेस का डिजाइन है। मन्नू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसका सर में दर्द कर रहा है, तो ये बोल रहा है सर दबा देने के लिए, यहाँ पे सोया हुआ है। इसको रात में बुखार भी था, अभी नहीं है बुखार, ठीक से सो जा, दबा देते हैं।